अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ तहजी की पहचान और शनाख्त के बाद हम आपके लिए ये सबक लेके आए हैं। इसमें जो हरूफ तहजी की अल्फाज के अंदर जाके अशकाल तब्दील हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं छोटी शक्ल। यानी ये जो है बे जो है ये मुकम्मल शक्ल है और लफ्ज़ के अंदर जाके बे की ये छोटी शक्ल हो जाती है। तो इसकी अब आपको शनाख्त करना है। जीम और जीम की छोटी शक्ल, सीन और सीन की छोटी शक्ल, स्वात और स्वात की छोटी शक्ल, यानी ये जो अल्फाज हैं ये इनकी छोटी शक्ल जो है हरूफ के अंदर जाके इसकी शक्ल चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर आपको शनाख्त ये करना है कि जब इनकी अशकाल अल्फाज के अंदर आएँ तो उनकी जब शक्ल चेंज आपको नज़र आए तो आप फौरन पहचान जाएं कि ये ऐन है, ये फे है, ये काफ है, ये गाफ है। यानी फौरन आपको उसमें कोई हिचकिचाहट ना रहे, फौरन से पहले आप जान जाएं कि ये लफ्ज़ के अंदर पै दर पै यानी पहले क्या था, उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, और फिर उसको आप हिज्जों को देखते हुए आप अल्फाज जो हैं वो बोल सकें, पढ़ सकें और लिख सकें। तो सबसे हरूफ तहजी की शनाख्त के बाद, उसकी आवाज़ की पहचान के बाद आपको ये जानना है कि अल्फाज के अंदर उनकी शक्ल कैसे तब्दील होती है और वो किस शक्ल से किस शक्ल में चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप हरूफ तहजी की शनाख्त कर चुके होंगे और उनकी पहचान कर चुके होंगे, और अब आपको जानना है कि अल्फाज के अंदर वो पूरी शक्ल जो है वो तब्दील हो के किस शक्ल में वो हर्फ जो है वो लफ्ज़ों के अंदर आता है। तो इंशाल्लाह ताला इसकी प्रैक्टिस जो है वो करते चले जाएंगे तो बिल्कुल आपको आसानी होगी अल्फाज के जोड़ तोड़ करने में और उसको पढ़ने में और लिखने में। तो आइए अब इसको भरपूर तरीके से जहन नशीन कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।